हेलो गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू लर्न विथ मी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा आज हम पढ़ने वाले हैं सिलॉक्स का ठीक है डज़ नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज़ नॉट फॉलो इसके पहले मैंने आप लोग को सम पढ़ाया नो no पढ़ाया सब नोट पढ़ाया और ऑल पढ़ा दिया था ठीक है उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था आइधर और और इधर न और पढ़ा था ठीक है ऑप्शन से जानना सीखा था उसके बाद क्या पढ़े थे हम पॉसिबिलिटी पढ़े थे उसके बाद क्या पढ़े थे निगेटिव पॉसिबिलिटी आज हम क्या पढ़ेंगे डज नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज़ नॉट फॉलो ठीक है इतना आज हम कंप्लीट कर लेंगे ठीक है इन सारे पार्ट्स को अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा ठीक है आज हम इस पार्ट को अपना कंप्लीट करेंगे तो बिना किसी देरी के चलते हम हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ ठीक है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डज नॉट फॉलो के लिए क्या करना होगा हमें क्या होना चाहिए एक्चुअल क्या होना चाहिए रॉन्ग होना चाहिए अब इसका कहने का मतलब क्या है जैसे हम पढ़ते थे पहला दूसरा ऐसे ऑप्शन पूरे लिखे हुए रहते थे है ना उसमें हम क्या करते थे पहला सही दूसरा गलत ठीक है दूसरा सही पहला गलत तो हम क्या बोलते थे इसे इसमें क्या रहता है डज नॉट फॉलो बिल्कुल सेम है इसमें क्या रहता है सिर्फ अंतर क्या रहता है बोलने के तरीके में ठीक है बोलने के तरीके में अंतर है सिर्फ बाकी पूरा क्या है ये सेम रहता है मैंने इसमें हम क्या बोलते थे ओनली फर्स्ट कंक्लूज़न इज़ फॉलो ठीक है इसी को मैं क्या बोल सकती हूँ ओनली सेकेंड कंक्लूजन डज़ नॉट फॉलो है ना सिर्फ बोलने में डिफरेंस आ रहा है आप देख सकते हैं पहला मैंने बोला कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो ठीक है फॉलोज ऐसे लिख दिया मैंने और इसी को एक दूसरे तरीके से और मैं क्या बोल सकती हूँ ओनली सेकेंड कंक्लूज़न डज नॉट फॉलो ठीक है डज नॉट फॉलो मतलब इसी को मैंने बोल दिया कि पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है इसी को बोल दिया मैंने केवल दूसरा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है वैसे ही इसको क्या बोल सकती हूँ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन डज़ नॉट फॉलो और इसी को क्या बोल सकती है ओनली सेकेंड कंक्लूज़न फॉलो ठीक है आप देख सकते हैं सिर्फ़ बोलने के ही तरीके में अंतर रहेगा इसमें बाकी सब क्या रहता है सेम रहता है और इसमें हम कैसे पढ़ते थे कि एक्चुअल जो आता है हमारा वो क्या होना चाहिए गलत होना चाहिए ठीक है तो चलते हम हमारे स्टेटमेंट की तरफ स्टेटमेंट से और ज़्यादा बेटर समझ पे आएगा ठीक है तो स्टेटमेंट ये रहा क्या लिखा तो है ऑल डब्ल्यू आर पी तो अब मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी ऑल डब्ल्यू क्या है पी है ठीक है भाई फिर क्या बोल रहा है सम पी आर वाई अब सम पी क्या है वाई है ठीक है सम पी वाई बना लिया हम लोगों ने अब क्या बोल रहा है सभी वाई क्या है ए है सभी वाई क्या है ए है ठीक है ये क्या बोल रहा है हमारा एक मिनट सभी वाई क्या है ए है ये हमारा स्टेटमेंट बोला है स्टेटमेंट से हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया ठीक है इतनी बातें आ गई समझ में यहाँ तो कोई डाउट नहीं है अब चलते हम हमारे कंक्लूज़न की तरफ तो कंक्लूज़न ये रहा क्या बोल रहा है निष्कर्ष पहला क्या बोल रहा है सम पी आर नॉट डब्ल्यू अभी क्या चेक करना है सम चेक करना है किस में किस में पी और डब्लू में ठीक है अब इसमें पॉसिबिलिटी दिख रही क्या नहीं तो हम सम नो चेक करेंगे बिल्कुल नहीं निगेटिव पॉसिबिलिटी नाम का कोई वर्ड दिख रहा है क्या आपको कंक्लूजन में नहीं तो हम क्या करेंगे चेक करेंगे क्या नहीं चेक करेंगे ठीक है सम पी आर नॉट डब्लू मतलब सम नॉट बोला है पी और डब्ल्यू में ठीक है सम नॉट बोला है सम पी आर नॉट डब्लू मतलब सम नॉट बोला है पी और डब्ल्यू में तो पॉसिबिलिटी का हम चेक करेंगे पॉसिबिलिटी नाम का वर्ड है बिल्कुल नहीं तो सम नॉट और ऑल चेक होगा क्या नहीं चेक होगा निगेटिव पॉसिबिलिटी नाम का कोई वर्ड दिख रहा है नहीं मतलब ऑल और सम नॉट भी चेक नहीं होगा हम क्या बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ सम नॉट चेक करेंगे वो भी किससे पी और डब्लू पे ठीक है हम क्या करेंगे सम नॉट चेक करना है पी और डब्लू में रहा रहा डब्ल्यू दोनों में निगेटिव रिलेशन दिख रहा है नहीं तो पहला कंक्लूजन क्या आ गया गलत ठीक है पहला कंक्लूजन क्या आ गया गलत सम नॉट चेक करना है नहीं तो पहला क्या आ गया गलत निगेटिव रिलेशन नहीं है तो गलत ठीक है पहला क्या आ गया हमारा पहला आंसर आ गया गलत ठीक है अब दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है आप देख सकते हैं दूसरे कंक्लूजन में पूछा है सम डब्ल्यू आर पी इसमें पूछ रहा है डब्लू और पी में सम पूछ रहा है ठीक है इसमें क्या बोल रहा है सम डब्ल्यू आर पी समब्ल्यू और पी पूछ रहा है ठीक है इज अ पॉसिबिलिटी अब मैं देख सकती हूँ इसमें इस कंक्लूजन में मुझे एक वर्ड दिया गया पॉसिबिलिटी मतलब ये क्या पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है ठीक है तो अब सम के साथ क्या चेक हो जाएगा नो no. ठीक है पॉसिबिलिटी नहीं दिया रहता तो सिर्फ हम सम चेक करते पर पॉसिबिलिटी दिया हुआ है तो हम नो no और सम दोनों चेक करेंगे ठीक है मैंने ये समझा रखा आप लोग को वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसे जाकर देख लीजिएगा ठीक है तो आप लोग को बेटर समझ आ जाएगा ठीक है ये हो गया पॉसिबिलिटी नाम का बोल दिया तो हम नो no और सम दोनों चेक कर लेते हैं किस में किस में चेक करना है डब्ल्यू और पी में डब्ल्यू ये रहा पी ये रहा दोनों में निगेटिव रिलेशन है नहीं तो नो क्या हो गया गलत अब डब्लू ये रहा पी ये रहा दोनों में मुझे क्या सम दिख रहा है बिल्कुल डब्लू का कुछ हिस्सा क्या है पी का कुछ हिस्सा है ठीक है डब्लू का पूरा हिस्सा क्या है पी में है मतलब सम है इसमें डब्लू का पार्ट मतलब ये क्या हो जाएगा फॉलो कर रहा है ठीक है सम आर पी है बिल्कुल है सम W मतलब पूरे डब्ल्यू पी के अंदर है तो कुछ हिस्सा तो हो गई होगा ठीक है पूरा W जब पी के अंदर है मतलब कुछ हिस्सा तो डब्लू का है ही पूरा है तो कुछ भी पूरा के अंदर ही आता है ना ये एक डब्लू है ठीक है मैं बोलूँगी ये पूरा डब्लू है तो इसका कुछ हिस्सा जो है ये सब वो भी तो पूरे के अंदर ही है कुछ ठीक है तो मतलब क्या होगा सम क्या होगा बिल्कुल फॉलो कर रहा है ठीक है सम डब्लू आर पी डेफिनेटली फॉलो कर रहा है ठीक है तो एक भी सही हो जाएगा ये नो गलत हुआ सम सही एक भी सही तो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाता है पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी ठीक है मैंने ये बता रखा है कि नो और सम चेक किया दोनों में से एक भी सही तो पॉसिबिलिटी गलत तो दूसरे का आंसर क्या गया गलत तो अब इसका आंसर कैसे रहेगा डज नॉट फॉलो में बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन डज नॉट फॉलो ठीक है हम किसे टिक करेंगे बोथ कंक्लूजन डज नॉट फॉलो ठीक है दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे हैं इतनी बातें आई समझ में बिल्कुल सीधा सीधा था आप लोगों ने देख लिया इसका एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जिससे आप लोग को और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ठीक है चलिए चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ दूसरा स्टेटमेंट ये रहा क्या बोल रहा है नो एम इज़ एस ठीक है अब मैंने बना लिया नो एम इज़ एस ठीक है इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं ठीक है अब क्या बोल रहा है ऑल एस आर टी सभी एस क्या है टी है तो इसमें सम एस आर टी होगा बिल्कुल सम टी आर एस होगा बिल्कुल ऑल टी, टी आर एस होगा नहीं ठीक है इतना देख के समझ आ रहा है अब क्या बोला है मैंने सम ऑल एस आर टी हो गया इतना कंक्लूजन से अब क्या बोल रहा है नो टी इज़ यू कोई भी टी क्या है यू नहीं है अब इसको ही देखते एक बार दिमाग में फटाक से दौड़ दौड़ जानी चाहिए क्या दौड़ना चाहिए दिमाग में एम है ये है ठीक है अंदर वाला सदस्य इसकी इससे बातचीत नहीं है अभी तक घर के मुखिया ने कुछ नहीं बोला है तो इसकी बातचीत नहीं है तो बाकी मेंबर्स की हम बता सकते हैं कि है कि नहीं मतलब अगर अंदर वाले सर्कल से निगेटिव रिलेशन है तो जरूरी है क्या कि बाहर वाले से भी हो नहीं ठीक है इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट लाइन एम और एस में नहीं बनेगी ठीक है अब मैंने देखा क्या देखा मैंने एस टी और यू है ठीक है क्या क्या है एस है टी है और यू है एस है टी है और यू है अब भाई ये एक परिवार है इसके मुखिया हैं हमारे टी ठीक है टी ने बोल दिया कि हमारे घर से कोई भी सदस्य यू के घर नहीं जाएगा मुखिया को ऑर्डर मानना हर सदस्य का काम होता है तो अब ऐस जाएगा क्या यू के घर बिल्कुल नहीं जाएगा ठीक है तो इन दोनों का निगेटिव रिलेशन बिल्कुल बन गया ठीक है इतनी बातें ही समझ में ये हमने स्टेटमेंट से ड्रॉ कर लिया है ना इसका भी बेसिक मैंने आप लोग को पहले समझा रखा है ठीक है तो ये क्या हो गया एस और यू में इनडायरेक्ट लाइन बन गई पर एम और टी में नहीं बनेगी ठीक है इतनी बात आई ही समझ में अब चलते हैं हम हमारे कंक्लूजन की तरफ तो कंक्लूजन ये रहा आप लोगों के सामने क्या बोल रहा है पहला कंक्लूजन ऑल एम आर टी अब चेक करना है मुझे ऑल एम और टी में ठीक है अब यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी वर्ड दिख रहा है नहीं कोई निगेटिव पॉसिबिलिटी दिख रहा है नहीं मतलब ये दोनों क्या होंगी सम नॉट चेक होगा क्या ऑल के साथ बिल्कुल नहीं क्योंकि ये क्या हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट है पॉसिबिलिटी निगेटिव पॉसिबिलिटी का नहीं है तो ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया ठीक है अब क्या रहेगा जब मैंने देखा ये नॉर्मल स्टेटमेंट है तो अब मैं ऑल चेक करूंगी एम और टी में ठीक है एम ये रहा टी ये रहा दोनों में ऑल दिख रहा है क्या बिल्कुल नहीं दिख रहा है मतलब ये क्या हो गया गलत हो गया तो पहला स्टेटमेंट क्या आ गया मेरा गलत आ गया ठीक है अब चलते हम दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है हमारा दूसरा कंक्लूजन नो एस इज यू अब नो no चेक करना है एस और यू में नो no चेक करना है मुझे किसमें किस में एस और यू में इसके आगे कुछ ऐसा लिखा है पॉसिबिलिटी निगेटिव पॉसिबिलिटी नहीं मतलब नो के साथ हम सम को चेक करेंगे बिल्कुल भी नहीं ठीक है पॉसिबिलिटी लिखा रहता तो हम इसके पेयर को चेक करते पर पॉसिबिलिटी लिखा ही नहीं है तो सम चेक नहीं होगा ठीक है इतनी बात आई समझ में अब क्या करते हैं हम नो चेक करेंगे एस ये रहा ये रहा एस और यू ये रहा तो एस और यू में क्या निगेटिव रिलेशन दिख रहा है बिल्कुल ये इनडायरेक्ट लाइन दिख रही है मतलब इन दोनों का भी कोई रिलेशन नहीं है निगेटिव रिलेशन दिख रहा है बिल्कुल मतलब एस और यू क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है अब पहला कंक्लूज़न गलत आ गया दूसरा कंक्लूजन सही आ गया तो हम क्या बोलेंगे अब इसमें डज नॉट फॉलो में सिर्फ बोलने का चेंज हो जाएगा पहला गलत है दूसरा सही तो क्या बोलेंगे हम ओनली फर्स्ट कंक्लूजन डज नॉट फॉलो ठीक है इतनी बातें आई समझ में अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन डज नॉट फॉलो ठीक है और इसे ही हम नॉर्मल वाले में क्या बोलते हैं ओनली सेकेंड कंक्लूज़न फॉलो है ना सिर्फ बोलने का ही डिफरेंस रहता है डज नॉट फॉलो में ठीक है बाकी सब क्या रहता है सेम रहता है डज नॉट फॉलो समझ आ गया अब चलते हैं हम हमारे डेफिनेटली डज़ नॉट फॉलो ये ये रहा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो ये क्या रहता है ये डज़ नॉट फॉलो से थोड़ा सा चेंज रहता है ठीक है क्योंकि इसके आगे क्या लिखा हुआ है डेफिनेटली लिखा हुआ है ठीक है तो ये डज़ नॉट फॉलो से चेंज आएगा इसमें क्या रहता है हमारा एक्चुअल भी गलत आना चाहिए ठीक है और पॉसिबिलिटी भी गलत आना चाहिए एक्चुअल भी गलत आ जाए मेरा और पॉसिबिलिटी भी गलत आ जाए तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो क्या करेगा फॉलो करेगा ठीक है क्या समझ में आ रहा है एक्चुअल गलत आना चाहिए पॉसिबिलिटी भी गलत आना चाहिए तो डज नॉट डेफिनेटली डज़ नॉट फॉलो क्या करेगा फॉलो कर जाएगा ठीक है मतलब एक्चुअल भी गलत है और पॉसिबिलिटी भी गलत है ठीक है अगर कहीं पे सिर्फ एक्चुअल वाला दिया रहेगा मान लो ऑल ए आर बी लिखा हुआ है ठीक तो है तो हम क्या चेक करेंगे इसमें स्टेट कंक्लूज़न ये लिखा रहेगा तो हम क्या चेक करेंगे स्टेटमेंट में ऑल ए आर बी है नहीं आ गया समझ लो मान लो इसका आंसर आ गया नहीं ठीक है ये सम ए आर बी लिखा हुआ था ये स्टेटमेंट है और अब मैंने कंक्लूजन में पूछा ऑल ए आर बी ठीक है तो ऑल ए आर बी है नहीं अब ऑल ए आर बी का मैं क्या करूँगी पॉसिबिलिटी भी चेक करूँगी ठीक है नहीं ये सम नॉट है नहीं है ऑल है नहीं है मतलब पॉसिबल दोनों गलत तो पॉसिबिलिटी सही ठीक है तो अब एक भी सही आ गया तो डज नॉट फॉलो नहीं करेगा ठीक है मतलब एक्चुअल भी गलत आना चाहिए था और ये भी गलत आना चाहिए था तो डज़ नॉट फॉलो कर जाता ठीक है क्या समझ में आया इससे हमें एक्चुअल पॉसिबिलिटी डेफिनेटली डज नॉट फॉलो तीन वर्ड दिए रहेंगे ठीक है ये गलत ये गलत तो ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है इन दोनों में से एक भी सही हुआ तो डज नॉट फॉलो नहीं करेगा ठीक है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो नहीं होगा ठीक है इतनी बात नहीं समझ में कहीं पे सिर्फ मान लो ऐसा लिखा रहता ऑल ए आर बी ऑल ए कैन बी बी ऐसा लिखा रहता ठीक है ऑल ए कैन बी बी तो हम इसमें कैन भी लिखा है मतलब क्या समझ जाते हैं ये क्या है पॉसिबिलिटी वाला है तो अब डेफिनेटली डज़ नॉट फॉलो में अंतर ये है कि सिर्फ पॉसिबिलिटी दिया रहेगा तो हम पॉसिबिलिटी चेक नहीं करेंगे हमें बस इतना ध्यान रखना है कुछ भी दिया रहे स्टेटमेंट में कुछ भी कंक्लूजन में कुछ भी दिया रहे हमें क्या चेक करना है एक्चुअल भी चेक करना और पॉसिबिलिटी भी चेक करना ठीक है कंक्लूजन में कुछ भी दिया रहे हम क्या चेक करेंगे दोनों ही चेक करेंगे ठीक है कंक्लूजन नॉर्मल हो चाहे पॉसिबिलिटी वाला हो कुछ भी हो हमें क्या करना है दोनों चेक करना है एक्चुअल भी, भी चेक करना है और पॉसिबिलिटी भी चेक करना है ठीक है इतनी आई समझ में और दोनों ही क्या होने चाहिए एक्चुअल भी गलत आना चाहिए और पॉसिबिलिटी भी गलत ठीक है दोनों गलत तो डज नॉट फॉलो करेगा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो करेगा ठीक है डज नॉट फॉलो में हमने क्या सीखा था कि सिर्फ एक्चुअल रॉन्ग होना चाहिए उसमें क्या रहता है नॉर्मल से बोलने का तरीका बस अलग रहता है बाकी सब क्या है बिल्कुल सेम है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में एक्चुअल भी गलत आ जाए और पॉसिबिलिटी भी गलत आ जाए तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो करेगा ठीक है इन दोनों में से एक भी सही आया तो डज नॉट फॉलो नहीं करेगा ठीक है इसको अब हम और बेटर तरीके से समझेंगे हमारे स्टेटमेंट और कंक्लूजन से ठीक है तो चलते हम हमारे स्टेटमेंट की तरफ स्टेटमेंट ये रहा क्या बोल रहा है सम एक्स आर जेड अब मैंने बोला सम एक्स आर जेड ठीक है मैंने बना लिया सम वाला डायग्राम अब बोल रहा है ऑल जेड आर वाई ऑल जेड क्या है वाई है मैंने बना लिया ऑल जेड आर वाई अब बोल रहा है नो जेड इज टी मतलब कोई भी जेड क्या है टी नहीं है अब ये एक परिवार है ये जेड है ये वाई है और ये क्या है टी है ठीक है अब ये एक परिवार है इसका बंदा है जेड इसकी भाई टी से बोलना चलना नहीं है ये इसके घर नहीं जाता इससे बोलता करता नहीं है पर घर के मुखिया ने बोला है क्या कि कोई इसके घर नहीं जाएगा नहीं मतलब वाई से होगा कि इसके जितने भी सदस्य होंगे उसका निगेटिव रिलेशन बनेगा टी के साथ बिल्कुल नहीं ठीक है अंदर वाले सर्कल से जब किसी का है तो बाहर वाले सर्कल से होगा बिल्कुल नहीं ठीक है ये हमने पढ़ रखा है पहले पार्ट्स में है ना तो ये क्या हो गया जेड का टी के साथ निगेटिव है तो वाई का टी के साथ होगा निगेटिव बिल्कुल नहीं ये हमने बना लिया हमारा स्टेटमेंट से ड्रॉ कर लिया ठीक है अब चलते हैं हम हमारे कंक्लूजन की तरफ कंक्लूज़न ये रहा ठीक है यहाँ पे आप दो कंक्लूज़न देख सकते हैं क्या लिखा है सम एक्स आर नॉट जेड ठीक है अब क्या पूछा है सम नॉट पूछा है किन किन के बीच में पूछ रहा है भाई एक्स और जेड के बीच में ठीक है एक्स ये रहा जेड ये रहा ठीक है जेड ये रहा है ना क्या बोल रहा है अब एक्स और जेड क्या बोल रहे हैं सम नॉट अब डेफिनेटली डज नॉट फॉलो जब हम पढ़ रहे हैं तो मैंने क्या बताया है आप लोगों को एक्चुअल भी गलत आना चाहिए और पॉसिबिलिटी भी गलत आना चाहिए तब जाके डेफिनेटली डज नॉट फॉलो करेगा ठीक है तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है तो सम नॉट दिया है सम नॉट के क्या साथ क्या चेक हो जाएगा ऑल तो सबसे पहले मैं सम नॉट चेक करूँगी सम नॉट एक्स और जेड में सम नॉट दिख रहा है निगेटिव रिलेशन नहीं मतलब एक्चुअल क्या आ गया गलत आ चुका है सम नॉट पूछा था सम नॉट गलत आ गया अब सम नॉट का पेयर कौन रहता है ऑल रहता है तो पॉसिबिलिटी चेक करेंगे अब हम सम नॉट है नहीं है एक्स और जेड में ऑल है एक्स और जेड में नहीं है मतलब दोनों नहीं मतलब पॉसिबिलिटी सही दोनों नहीं मतलब पॉसिबिलिटी सही तो पॉसिबिलिटी सही अब एक भी सही हो जाएगा तो डज नॉट फॉलो करेगा बिल्कुल भी नहीं तो ये क्या हो गया हमारा पहला का क्या आ गया गलत आ गया फर्स्ट कंक्लूजन डेफिनेटली डज़ नॉट फॉलो ठीक है इतनी बात बताई समझ में बिल्कुल सिंपल था हमें क्या करना है एक बार एक्चुअल चेक करेंगे वो भी गलत आना चाहिए एक बार पॉसिबिलिटी चेक करेंगे वो भी गलत आना चाहिए तो डज नॉट फॉलो कर जाएगा ठीक है और एक भी सही आ गया हमारा सेकंड पॉसिबिलिटी वाला क्या आ गया सही आ गया तो ये डज नॉट फॉलो नहीं करेगा है ना इतनी बता आ गई समझ में अब चलते हैं हम दूसरा कंक्लूजन सॉल्व करें ठीक है एक्स जेड वाई टी ठीक है ये एक्स था ये जेड था ये वाई था और ये टी थी था ठीक है ये स्टेटमेंट था ना भाई अभी क्या बोल रहा है सम वाई कैन बी टी अब सम पूछा है वाई और टी में ठीक है और इस इस स्टेटमेंट को कंक्लूजन को देख के क्या समझ आ रहा है मुझे इस निष्कर्ष में लिखा हुआ है सम वाई कैन बी डी मतलब पॉसिबिलिटी तो मुझे डेफिनेटली डज़ नॉट फॉलो मी स्टेट कंक्लूजन को देखने की ज़रूरत है कि पॉसिबिलिटी है कि निगेटिव पॉसिबिलिटी कि नॉर्मल है बिल्कुल नहीं ठीक है क्या नहीं इसमें बस क्या चेक करना है मुझे एक्चुअल और पॉसिबिलिटी ठीक है दोनों गलत आना चाहिए तो डेफिनेटली डज नॉट करेगा फॉलो ठीक है अब सम वाई कैन बी टी सम चेक करूँगी वाई और टी में एक्चुअल के लिए ठीक है वाई ये रहा टी ये रहा दोनों में सम है क्या नहीं मतलब एक्चुअल तो क्या आ गया गलत आ गया ठीक है अब सम के पेयर कौन है नो तो अब पॉसिबिलिटी के लिए नो और सम दोनों चेक करेंगे तो वाई और टी में सम हुआ नहीं हुआ अभी हमने देख लिया अब नो होगा क्या वाई और टी में निगेटिव रिलेशन है बिल्कुल नहीं है डायरेक्ट लाइन आनी चाहिए नो के लिए तो डायरेक्ट लाइन है क्या वाई और टी में नहीं है मतलब नो भी गलत अब दोनों गलत तो पॉसिबिलिटी सही ठीक है दोनों गलत तो पॉसिबिलिटी सही तो पॉसिबिलिटी हमने क्या कर लिया सही अब मेरे लिए क्या आना चाहिए डज नॉट फॉलो के लिए दोनों गलत आना चाहिए एक भी सही आएगा तो डज नॉट फॉलो नहीं करेगा तो ये भी क्या है सेकेंड कंक्लूज़न डेफिनेटली डज नॉट फॉलो ठीक है सेकेंड कंक्लूजन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो इतनी बात आई समझ में अब चलते हैं इसी स्टेटमेंट के अगले कंक्लूजन की तरफ ठीक है स्टेटमेंट यही रहेगा एक्जैक्ट वाइटी ठीक है और कंक्लूजन यहाँ पे आप तीन कंक्लूज़न देख सकते हैं ठीक है अब ये एक्स था ये जेड था ये वाई था और ये टी था ठीक है इतना था अब क्या बोल रहा है सम एक्स आर नॉट वाई ठीक है सम नॉट पूछ रहा है किसी किसी बीच में एक्स और वाई के बीच में तो वही एक्चुअल भी गलत आना चाहिए पॉसिबिलिटी भी गलत आना चाहिए तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो करेगा तो अब सम नॉट चेक करना है मुझे एक्स और वाई के बीच में एक्स ये रहा वाई ये रहा सम नॉट है क्या निगेटिव रिलेशन नहीं मतलब एक्चुअल क्या आ गया गलत आ गया अब पॉसिबिलिटी चेक करूँगी सम नॉट की तो सम नॉट और ऑल दोनों चेक होगा ठीक है सम नॉट है क्या एक्स वाई में बिल्कुल नहीं हमने देख रखा है ठीक है और ऑल है क्या एक्स वाई में एक्स और वाई में ऑल दिख रहा है नहीं मतलब दोनों गलत तो पॉसिबिलिटी सही ठीक है पॉसिबिलिटी सही अब इन दोनों में से एक भी सही तो डेफिनेटली डज़ नॉट फॉलो गलत ठीक है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो मी सिर्फ इतना ही है कि एक्चुअल भी गलत आए और पॉसिबिलिटी भी गलत आए ठीक है एक्चुअल चेक करना भी मैंने सिखा रखा है और पॉसिबिलिटी चेक करना भी सिखा रखा है ठीक है और दोनों ही गलत आ गए तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो सही होगा ठीक है अब चलते हैं इसी का अगला कंक्लूजन सॉल्व करना ठीक है एक मिनट एक्स था ये जेड था ये वाई था और ये टी था यही था ना अभी क्या बोल रहा है ऑल एक्स कैन बी टी ऑल पूछ रहा है एक्स और टी में ठीक है अब यहाँ पे तो मैं ये देख सकती हूँ कि एक्स और टी में पॉसिबिलिटी पूछा पर हमें डेफिनेटली डज नॉट फॉलो मी इसको देखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ऑल एक्स कैन बी टी पूछा तो अब हम ऑल चेक करेंगे एक्चुअल पॉसिबिलिटी दोनों गलत आने चाहिए तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो करेगा ठीक है ऑल एक्स आर टी है क्या ऑल एक्स आर टी है क्या नहीं तो एक्चुअल क्या हो गया गलत अब ऑल की पॉसिबिलिटी चेक करना है तो ऑल के साथ पेयर कौन बन है सम नॉट तो ऑल एक्स टी है नहीं सम नॉट है क्या एक्स और टी में एक्स के साथ एक्स का टी के साथ निगेटिव रिलेशन दिख रहा है डायरेक्ट नहीं अब इनडायरेक्ट चेक करते हैं एक्स के साथ क्या कोई बंदा जुड़ा है बिल्कुल जुड़ा है जेड भी जुड़ा है और वाई भी जुड़ा है ठीक है दोनों बंदे जुड़े हुए हैं अब क्या है इन दोनों में से किसी का भी टी के साथ निगेटिव रिलेशन है बिल्कुल है वाई का तो नहीं है टी के साथ टी किसके साथ निगेटिव रिलेशन बना रहा है जेड के साथ ठीक है, है।, 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 गीड़ी है।, गीड़ी है।, है। एक क्या समझ में आया ये एक्स है एक्स के साथ टी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है बिल्कुल नहीं तो गलत आ गया एक्स के साथ या कोई बंदा जुड़ा है बिल्कुल वाई जेड जुड़े हुए हैं ठीक है जिसका टी के साथ निगेटिव रिलेशन है बिल्कुल है यहाँ से मैं देख सकती हूँ एक्स है एक्स के साथ जेड जुड़ा है जिसका टी के साथ निगेटिव रिलेशन है तो दो समी है बिल्कुल है मतलब सम नॉट क्या है सही है ठीक है अब एक भी सही आ गया तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई गलत हो गई दोनों में से एक भी सही आ गया तो पॉसिबिलिटी गलत हो गई तो पॉसिबिलिटी गलत अब मैंने देखा एक्चुअल भी गलत पॉसिबिलिटी भी गलत तो निगेटिव पॉसिबिलिटी फॉलो ए मतलब डेफिनेटली डज़ नॉट फॉलो कर जाएगा ठीक है इसमें मैंने देखा मेरा एक्चुअल भी गलत आ गया पॉसिबिलिटी भी गलत आ गया तो डेफिनेटली डज़ नॉट फॉलो कर रहा है ठीक है इतना समझ में आया कैसे करता है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो एक्चुअल भी रॉन्ग आ जाए पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग आ जाए तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो कर जाएगा ठीक है अब चलते हैं इसी का लास्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन ये रहा ये एक्स था ये जेड था ये वाई था और ये टी था ठीक है अब क्या बोला है सम जेड आर टी अब मुझे चेक करना है सम किसके किसके बीच में जेड और टी के बीच में सम जेड आर टी है क्या नहीं मतलब एक्चुअल क्या आ गया रॉन्ग आ गया अब पॉसिबिलिटी चेक करूँगी ठीक है सम के साथ क्या चेक होता है नो no. तो सम है क्या सम तो नहीं है हमने देख रखा है अब नो no चेक करेंगे जेड और टी में नो no है बिल्कुल है एक भी सही तो पॉसिबिलिटी क्या आ गई गलत पॉसिबिलिटी क्या आ गई गलत ठीक है अब एक्चुअल गलत है पॉसिबिलिटी गलत है तो डेफिनेटली डज़ नॉट फॉलो कर जाएगा ठीक है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो कर रहा है ठीक है इतनी बात आई समझ में कि एक्चुअल भी गलत आ गया पॉसिबिलिटी भी गलत आ गया तो डेफिनेटली डज़ नॉट फॉलो कर रहा है तो आज की क्लास से हमने क्या सीखा डज नॉट फॉलो लिखा है यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे क्या लिखा है डेफिनेटली डज़ नॉट फॉलो ठीक है तो इसमें क्या रहना चाहिए ये नॉर्मल रहता है ठीक है बस पहला सही दूसरा गलत दूसरा गलत पहला सही ऐसा लिखा हुआ है मान लो पहला सही है इसमें दूसरा सही है ठीक है सिर्फ बोलने का तरीका इसमें क्या रहता अलग रहता है बाकी कॉन्सेप्ट क्या है सेम रहता है ठीक है ये बात समझ में आई इसमें हम पहला सही करते थे तो हम क्या बोलते थे ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज़ फॉलो और अब डज नॉट फॉलो में क्या हम क्या बोल देते हैं ओनली सेकेंड कंक्लूज़न डज नॉट फॉलो ठीक है follow, बाकी बिल्कुल सेम है ये समझ में आ गया ये बिल्कुल ईजी था अगर डज नॉट फॉलो के सामने एक वर्ड जुड़ गया डेफिनेटली तो हम क्या चेक करेंगे एक्चुअल गलत आ जाए पॉसिबिलिटी गलत आ जाए तो डज नॉट फॉलो कर जाएगा ठीक है डेफिनेटली डज़ नॉट फॉलो सही हो जाएगा ठीक है इससे क्या सीखा हमने डेफिनेटली डज़ नॉट फॉलो में हम इस कंक्लूजन में क्या रहे पॉसिबिलिटी दे चाहे एक्चुअल दे हमें उससे मतलब नहीं है हमें मतलब रखना है सिर्फ एक्चुअल भी चेक करना है पॉसिबिलिटी भी चेक करना है दोनों गलत आ गए तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो कर जाएगा आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने डेफिनेटली डज नॉट फॉलो को सॉल्व करना सीख लिया ठीक है आप देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी से बहुत ही कम टाइम में हम इसे सॉल्व कर पा रहे हैं ठीक है ये आज की ट्रिक थी कि जिससे हमने आसानी से इसे सॉल्व कर लिया ठीक है एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये तो प्री में पूछा जा सकता है क्योंकि ये नॉर्मल है ये हमेशा पूछा जाता है मेन्स के एग्जाम में ठीक है इतनी बात आई समझ में हमने एक एक करके अपना सारा बेसिक क्लियर कर लिया ठीक है छह पार्ट बनाए हैं हम लोगों ने एक एक करके हमने क्या कर लिया सारा डिस्कस कर लिया ठीक है अगर आप लोगों ने अभी तक वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा आज हमारा सिलॉक्स क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है ठीक है इसमें हमने जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने हर टाइप का आपको क्वेश्चन बता दिया और सबसे मेन हम लोगों ने क्या किया है बिल्कुल बेसिक क्लियर कर लिया है उसका कॉन्सेप्ट सीख लिया तो अब इससे अलग टाइप का भी अगर पूछे तो हम क्या सकते कर सकते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा इतना ही पूछता है एग्जाम में इससे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है एक क्या पूछता है एक कंक्लूजन दे देता है उससे स्टेटमेंट बोलता है ठीक है तो ये बिल्कुल सेम रहता है स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालो चाहे कंक्लूजन से स्टेटमेंट ठीक है कंक्लूजन दिया रहेगा ऑल ए आर बी ठीक है ऐसा मान लो कंक्लूजन दिया तो स्टेटमेंट कुछ भी दिया रहेगा तो हमको चेक करना है कि क्या इस स्टेटमेंट में ये वाला कंक्लूजन छुपा हुआ चुपा है छुपा रहेगा तो सही नहीं छुपा रहेगा तो गलत ठीक है बस वही देखना रहता है ये बिल्कुल ईजी रहता है ठीक है अब क्या करेंगे हम हमारा सिलॉक्स कंप्लीट हो गया हम लोगों ने क्या पढ़ लिया नो सम ऑल और सम not आप देख सकते हैं कि इन चारों ही वर्ड से क्या होता है सिलॉक्स चैप्टर खत्म हो जाता है ठीक है ये चारों डिस्कस किए फिर आइर और ना इधर नौ और पढ़ा फिर पॉसिबिलिटी पढ़ा फिर निगेटिव पॉसिबिलिटी पढ़ा उसके बाद क्या पढ़ा डज़ नॉट फॉलो पढ़ा उसके बाद डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पढ़ा है ना इतना सब हमने एक एक करके बिल्कुल बेसिक से आराम से डिस्कस कर लिया ठीक है अब हम कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रहेगा मशीन इनपुट ठीक है आई होप सो कि आप लोगों को ये सब पूरा समझ आ गया होगा ठीक है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बहुत ही आराम से बहुत ही क्लियरली आप लोग को समझाने की कोशिश किया अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें ठीक है वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कज़न के साथ शेयर कीजिएगा ठीक है तो चलिए वीडियो को एंड अप करते हैं कल हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो रहेगा मशीन इनपुट ठीक है तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड अप करते हैं टिल देन कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग थैंक यू एंड बाय